असेंबली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम सप्तल एक्सरसाइज के तहत, सूक्ष्म व्यायाम के तहत, पवन मुक्तासन श्रृंखला के तहत इसकी 10वीं कड़ी हम देखने जा रहे हैं। इसके तहत आज हम देखने जा रहे हैं श्रोणी चक्र, यानी कि हिप रोटेशन। मित्रों, हमारे लोअर पार्ट का बड़ा ही मुख्य रोल होता है, प्रमुख रोल होता है। हमारे शरीर का संपूर्ण वजन इन्हीं लोअर पार्ट्स पर ही होते हैं, और ये लोअर पार्ट और अपर पार्ट को जोड़ने का काम यही वेस्ट वाला, कमर वाला भाग करता है। हिप पर ही हमारे वजन आते हैं, तो हम आज हिप रोटेशन श्रोणी चक्र करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ये लूजन होंगे, अकड़न जकड़न हो जाते हैं, हम झुक नहीं पाते, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, चल नहीं पाते। इन सभी से निजात पाने के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ ही कीजिए इस श्रोणी चक्र को। इसके लिए भी हम प्रारंभिक स्थिति में आगे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, अपर पार्ट को, ट्रंक को सीधा, दोनों हाथ को आप चाहे तो यहाँ थोड़ा सा लीन होके आप सपोर्ट रखिए, और इसे बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए, और अपने राइट लेग को इनहेल करता हुआ आप फोल्ड कीजिए, और इसे आप रख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट थाई पर, आपका एंकल आना चाहिए, यहाँ रखिए, और राइट हैंड अपने राइट नी पर रखिए। और जैसा कि इसका नाम ही है मित्रों, श्रोणी चक्र हिप रोटेशन, तो हम डायरेक्ट हिप को तो रोटेट कर नहीं सकते, हम अपने नी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और यह मूवमेंट हमारे हिप जॉइंट्स पर जाएंगे, जो कि उसे लूजन करेंगे, स्ट्रेचिंग देंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो आइए करते हैं हम इसे, ये यहाँ पकड़े रहिए, अपर पार्ट को ध्यान देना है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शिथिलता होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, गर्दन आपका सीधा, आंखों को बंद रख सकते हैं, और यह इसे आप क्लॉकवाइज कीजिए 10 times। जब आप नीचे ले जा रहे हैं तो एक्सहेल कीजिए, सांसों को छोड़िए, और जब ऊपर ला रहे हैं तो इनहेल कीजिए। आप इसे मूवमेंट को देखने के लिए आप अंगुली को ऐसे निकाल के रख सकते हैं, ताकि आपको रोटरी मूवमेंट, ये रोटेशन जो है दिख सकता है। ये देखिए, ये अपर पार्ट को बगैर किए ऊपर ला रहे, इनहेल, नीचे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आपका जो फोर्स आना है, पैर को फोर्स नहीं लगाना, हाथ से एग्जर्ट करना है प्रेशर, हाथ से, पैर को खुद नहीं होने देना, हाथ से कीजिए। ये देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे आपके हिप में ये मूवमेंट पहुंच रहे हैं क्लॉकवाइज। इसी तरह से इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। जब हम ऊपर लाते हैं इनहेल, नीचे ले जाते हैं एक्सेल, इस तरह से कीजिए श्रोणी चक्र, और फिर देखिए आपका हिप बिल्कुल लूजन हो जा रहा, एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जा रहे हिप से, और फिर कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं बगैर मिसफिट हुए। इसी 10 times के रिपीटेशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम अब लेफ्ट हैंड से करें, लेफ्ट लेग से करेंगे। यहाँ लेफ्ट एंकल को पकड़े, लेफ्ट नी को यहाँ, ट्रंक सीधा, और यहाँ उंगली को ऐसे निकाल लिए, इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होगा, एक्सेल करके नीचे, और इनहेल, इसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, जितना बड़ा सर्कल बन सके। इसे ऊपर जब ला रहे हैं कोशिश कीजिए चेस्ट में सटे, जब नीचे ले जा रहे हैं कोशिश कीजिए फ्लोर में सटे। इस तरह से आप रोटरी मूवमेंट इसे देते रहिए, ब्रीदिंग पर जरूर ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, अपने अवेयरनेस को कायम रखिए, हिप ज्वाइंट पर
एंकल ज्वाइंट पर, नी ज्वाइंट पर, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर। मित्रों, हम सूक्ष्म व्यायाम के तहत जिस अंग के लिए, जिस प्रत्यंग के लिए काम करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। इसे अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर हमें भरपूर फायदा चाहिए तो उसी अंग प्रत्यंग का हम ध्यान करते हैं और एक सकारात्मक विचार रखते हैं कि हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का ग्रहण हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त बन रहा हूँ। इन्हीं सभी सकारात्मक दृष्टि के साथ उन्हीं अंग पर ध्यान रखते हुए, अपने फोकस को, अवेयरनेस को कायम रखते हुए करेंगे 10 times क्लॉकवाइज, 10 times एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर से करके। इस तरह से यह हमारा 10वां एपिसोड, 10th कड़ी समाप्त होता है श्रोणी चक्र का। मुझे उम्मीद है आप इसका नियमित अभ्यास कीजिए और अपने हिप एरिया का लूजन कीजिए, मजबूत कीजिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए सब प्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।